हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आ जाएं आप लोग जल्दी से। इतने कम स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं। कैसे हैं आप सब? आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे मैसेज करके बता दें बेटा। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जस्ट 8 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। 2 से 3 मिनट वेट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, थैंक यू अक्सा नदीला। वालेकुम अस्सलाम अक्सा, कैसे हैं आप सब? अंडरस्टैंडिंग हो रही है नर्सिंग एथिक्स की? अभी हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। जल्दी जल्दी आ जाइए, अटेंडेंस मार्क करवा लें ताकि हम स्टार्ट करें लेक्चर। ओके अदीला, अच्छा जरा आप बताइए ना, क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? कोड ऑफ एथिक्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं? कितनी पोस्ट रीडिंग की है आपने? क्या क्या पढ़ाया था आपको कोड ऑफ एथिक्स में? वालेकुम अस्सलाम अंसब। अच्छा जी, कोर्ट कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको। वालेकुम अस्सलाम सना चौधरी। कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये डिस्कस किया था हमने। और पर्पसेस पढ़े थे कोड ऑफ एथिक्स के, फंक्शन पढ़े थे, एलिमेंट्स भी आई थिंक हाँ हमने पढ़ लिए थे एथिकल कोड के। थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया था आईसीएन को, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस को, बट उसके जो कोड्स हैं उन्हें हम उसकी हमने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट नहीं की थी। तो ये हम पढ़ चुके हैं, कोड पढ़ लिया था हमने, एथिक्स पढ़ लिए, पर्पसेस पढ़ाए थे आपको, और हमने फंक्शंस पढ़ाए थे कोड ऑफ एथिक्स के। वालेकुम अस्सलाम आरफा अक्सा। फाइनली अक्सा ने रिस्पॉन्स किया मेरे क्वेश्चन का कि हमने एथिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, पर्पसेस पढ़े थे, फंक्शन पढ़े थे। बाकी बच्चे लगता है थक गए हैं, इतनी जल्दी थक गए हैं, 1 घंटे की क्लास लेके थक गए हैं। चलें जी, कोड ऑफ एथिक्स बाय इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस, जो हमने ये डिस्कस किया था। बेसिकली इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है। इंटरनेशनली नर्सेस को उनके जो भी बिहेवियर्स हैं, उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उन सबको वो रेगुलेट करती है। अच्छा अदीला, 2 आवर्स की क्लास हुई थी। अच्छा, 2 आवर्स की क्लास हुई तो आप थक गए। अच्छा, ये हमारी बॉडी है जिसका काम यही है कि रेगुलेट करना है हाउ द नर्सेज शुड बिहेव टू द पेशेंट्स, टू देयर को वर्कर्स, टू द अटेंडेंट्स ऑफ द पेशेंट्स, एंड हाउ वी शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बाय डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज, एंड हाउ वी शुड परफॉर्म डिफरेंट प्रोसीजर्स और स्किल्स ऑन आर पेशेंट्स। वट इज़ द पर्पज? बेसिकली टू प्रोमोट द हेल्थ, प्रिवेंट द इलनेस, रिमूव एनी सफरिंग पेशेंट्स आर सफरिंग विद, एंड इंश्योर प्रोविजन ऑफ इक्वल केयर टू ऑल पेशेंट्स, वेदर दे आर फ्रॉम एनी रिलीजन, दे आर वेदर फ्रॉम एनी कास्ट, वट एवर इज द एज ऑफ द पेशेंट, वट एवर इज द जेंडर ऑफ द पेशेंट, वेदर पेशेंट बिलोंगिंग एनी सोशल और इकोनॉमिकल और कल्चरल बैकग्राउंड। आईसीएन के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं उसके 4 प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। नर्सेज एंड पीपल, नर्सेज एंड प्रैक्टिस, नर्सेज एंड सोसाइटी, नर्सेज एंड कोवर्कर्स।
ये भी हम इनफैक्ट डिस्कस कर चुके थे, ये आपके साथ हमने पिक्टोरियल डिस्कशन की थी थोड़ी सी, कि नर्सेज जो हैं उन्होंने किस तरह से हमारे सराउंडिंग में जो लोग मौजूद हैं, जो ओवरऑल सोसाइटी मौजूद है, हमारे पेशेंट के अटेंडेंट्स मौजूद हैं, उनके साथ हमने किस तरह से डिस्कस करना है, हम अकॉर्डिंग टू ICN क्या हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए उन लोगों के साथ। खदीजा अब्दुल्ला, पेशेंट सेफ्टी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। एंड नर्सेज एंड प्रैक्टिस, नर्सेज जब प्रैक्टिस मीन्स कि हम कोई भी अपने नर्सिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, तो व्हाट आर द कोड ऑफ कंडक्ट्स, व्हाट आर द SOPs विच वी शुड फॉलो नर्सेज एंड सोसाइटी, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, व्हाट नर्सेज आर बेसिकली गिविंग टू द सोसाइटी, व्हाट ICN सेज, व्हाट आवर नेशनल नर्सिंग काउंसिल सेज टू अस, हाउ वी कैन सर्व अवर सोसाइटी। नर्सेज एंड कोवर्कर्स, नर्सेज आर वर्किंग विद देयर कोवर्कर्स, वेदर दे आर देयर जूनियर्स, दे आर देयर सीनियर्स, वेदर दे आर क्लीनर्स, दे आर पोर्टर्स, दे आर सैनिटरी वर्कर्स, जिसके साथ भी नर्सेज काम कर रही हैं, वेदर दे आर कंसल्टेंट, वेदर दे आर नर्सिंग एड्स, जिसके साथ भी नर्सेज काम कर रही हैं, व्हाट शुड बी द कंडक्ट ऑफ द नर्सेज विद देम, व्हाट शुड बी द मेथड टू टेक वर्क फ्रॉम देम, नर्सेज एंड प्रोफेशन, ऑब्वियसली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हाउ वी कैन मेक अ पॉजिटिव इमेज ऑफ आर प्रोफेशन, हाउ वी कैन मेक अ पॉजिटिव एंड वेरी सिंसियर इमेज, हाउ वी कैन बी सिंसियर टू आवर प्रोफेशन। ओके, वही जो आपसे थोड़ा सा मैंने इसीलिए पहले से डिटेल में डिस्कस कर लिया कि अब हम जब इसे मजीद डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, थोड़ा सा थॉरली, सॉरी, मैंने थॉरली आपसे इसलिए डिस्कस कर लिया कि जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे, एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ईजिली हो सके। नर्सेज एंड पीपल अ नर्स शुड कंसिडर ऑल द पेशेंट एज इक्वल एंड प्रोवाइड देम इंडिविजुअल केयर एंड नेवर इग्नोर एनी पेशेंट। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। नर्सेज आर ऑब्लीगेटेड बाय ICN, इनफैक्ट एथिकली दे आर ऑब्लीगेटेड फॉर दिस, दैट दे शुड कंसिडर ऑल द पेशेंट्स इक्वल एंड दे शुड प्रोवाइड इक्वल केयर टू द पेशेंट्स, टू ऑल द पेशेंट्स, एंड नेवर इग्नोर एनी पेशेंट। अ नर्स शुड कीप ऑल द पर्सनल डॉक्यूमेंट्स सेफ एंड कॉन्फिडेंशियल। पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है, दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी, तो हम कई बार पढ़ चुके हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, लास्ट लेक्चर्स में हमने बार बार पढ़ा है। कॉन्फिडेंट भी रखना है आपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन को, पेशेंट के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को, बट दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स दैट यू शुड कीप द पर्सनल डॉक्यूमेंट्स सेफ एज वेल। जो पेशेंट की फाइल्स हैं वो गुम नहीं होनी चाहिए। पेशेंट की अगर कोई OPD बेसिस पे समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट ने डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस करवाई होती हैं एट द टाइम ऑफ द एडमिशन और ड्यूरिंग इंडोर ट्रीटमेंट, पेशेंट की जो वो आउटडोर रिपोर्ट्स होती हैं, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स होती हैं, वो हम कलेक्ट कर लेते हैं, बट उसे सेफ रखना, दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। और जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स कि जो पेशेंट के जितने भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेफली हैंडेड ओवर करें टू द पेशेंट और पेशेंट्स अटेंडेंट। प्रोवाइड अ सेफ इन्वायरमेंट एंड रिस्पेक्ट द वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम एंड टैबूज ऑफ द पेशेंट्स। लोगों को, पेशेंट्स को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, उनकी जो भी वैल्यूज़ हैं, ऑब्वियसली दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स, उनकी ऑब्वियसली डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, उन वैल्यूज़ को आपने रिस्पेक्ट करना है, उनके बिलीव्स को रिस्पेक्ट करना है, उनके कस्टम्स को रिस्पेक्ट करना है, एंड टैबूज ऑफ द पेशेंट। देखें, डिफरेंट टैबूज होते हैं, आपको पता है डिफरेंट सोसाइटीज़ में, डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट टैबूज होते हैं, हम उन टैबूज की भी आपने रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट इन दिस सेंस कि अगर किसी का कोई भी टैबूज है या किसी की कोई भी वैल्यूज हैं, तो आपने इस तरह से नहीं कह देना कि नहीं जी इसकी तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, या फिर आप तो इसी तरह की बातें कर लेते हैं, साइंस में इसका कोई एविडेंस नहीं है। अगर आप उन्हें कोई चीज समझाना भी चाहते हैं तो यू हैव टू बी वेरी हम्बल। आपने इस तरह से बात नहीं करनी मरीज से कि जब भी आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, इवन वेदर यू आर जस्ट कम्युनिकेटिंग टू द पेशेंट, आपने
कल्चरल सेंसिटिव केयर पेशेंट को प्रोवाइड करनी है. आपको कल्चरल सेंसिटिव केयर पढ़ाने का मकसद, दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ आवर नर्सिंग, आपको कल्चरल सेंसिटिव केयर पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको बुक से पढ़ लेंगे, दैट इज़ एनफ. नो, यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स इन योर वार्ड एरिया. नेक्स्ट इज नर्सेज एंड प्रैक्टिसेस. अ नर्स शुड बी कॉम्पिटेंट इन नॉलेज, स्किलफुल इन अप्लाइंग केयर टूवर्ड द पेशेंट्स, एफिशिएंट इन कम्युनिकेशन. नाम से हमें पता लग रहा है, हेडिंग से समझ आ रही है, दिस इज अबाउट आवर प्रैक्टिसेस. अ नर्स शुड बी कॉम्पिटेंट इन नॉलेज. देखें, ये बहुत अनफॉर्चुनेटली बड़ी बहस हमारे कंट्री में, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जिस तरह से वी आर गोइंग टूवर्ड्स डिग्री प्रोग्राम, वी आर मूविंग इन एजुकेशन, इन रिसर्च, तो ये चीज़ें काफ़ी बेटर हो गई हैं. बट बिफोर 4 to 5 years बैक इफ़ वी गो, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती थी, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया जाता था अबाउट द डिग्री प्रोग्राम, एंड एक्सेप्टेंस नहीं थी लोगों के अंदर डिग्री प्रोग्राम को लेके. थोड़ा सा कंसर्न था लोगों का दैट नर्सिंग शुड बी अबाउट ओनली प्रैक्टिसेस, नर्सेस की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इतनी बुक्स नर्सेस को पढ़ा के क्या करनी है एंड ऑल दैट. बट अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेंड अब चेंज हो गया है, एंड हमारी बुक्स भी हमें यही कह रही हैं, ICN हमें ये कह रहा है, ICN के कोड ऑफ एथिक्स हमसे ये कह रहे हैं कि नर्सेज जो हैं उनके पास नॉलेज भी होना चाहिए, स्किल्स के साथ साथ दे शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ इन नॉलेज. ऑब्वियसली आप कोई भी प्रोसीजर है, छोटे से छोटा प्रोसीजर ले लें, इफ़ यू हैव टू पास एन NG tube टू द पेशेंट, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा वट आर द इंडिकेशंस, कौन सा वो वक्त होता है जब हमने पेशेंट को NG, ऑल्दो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आपके कंसल्टेशन आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिख कर जाते हैं, बट नर्सिस की जो अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, उनका अपना नॉलेज है, उनकी अपनी कॉम्पिटेंसीज है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते. होल सोल पेशेंट को कंसल्टेंट्स लेके नहीं चल रहा होता, कंसल्टेंट की ही प्रिस्क्रिप्शंस को लेके आप नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंट की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही मरीज चल रहा है. नो, नर्स की भी अपनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, और बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे नर्सिस की जो प्रिस्क्रिप्शंस है, प्रिस्क्रिप्शन इन द सेंस के पेशेंट की केयर से रिलेटेड, जो मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पेशेंट की केयर से रिलेटेड जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है. तो नर्सिस के पास जब तक नॉलेज नहीं होगी, मैं अच्छा गुले लाला ने कुछ एड ऑन किया हमारे साथ, नर्सिंग इज़ माई प्रोफेशन बट केयरिंग इज़ माई स्किल. गुड गुले लाला, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है. एग्जैक्टली, नर्सिंग आपका प्रोफेशन है, बट बींग अ ह्यूमन, देखिए बींग अ ह्यूमन एंड प्लस आई मस्ट से बींग अ वुमन, केयरिंग तो अल्लाह ताला ने वैसे ही ह्यूमन बींग के अंदर, और प्लस जो एक खातून है, एक वुमन है, उसके अंदर तो अल्लाह ताला ने ये स्किल सबसे ज़्यादा रखी है. सो ऑब्वियसली अगर हम अपने प्रोफेशन के अंदर इस स्किल को एड ऑन कर देंगे, तो ऑब्वियसली वी विल बी अ वेरी गुड नर्स. अच्छा, मैं आपसे एग्जांपल शेयर कर रही थी नॉलेज से रिलेटेड, कि अगर एक इफ़ वी हैव टू पास एन NG tube टू द पेशेंट, सो ऑब्वियसली इफ़ वी डोंट नो द एनाटॉमी ऑफ आवर GI ट्रैक, इफ़ वी डोंट नो द एनाटॉमी ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो हाउ कैन वी बी एबल टू पास द NG tube टू द पेशेंट. प्लस सेकेंडली, वी गिव यू checklists, we provide you checklist, and jo bhi aapki skills hoti hain, although you have to perform your skills in your skills lab, and after that you have to perform these skills on your patient, but what are the indications to pass the NG tube, what might be the risk associated with this NG tube passing procedure, what is this is all about the knowledge. Ye sab knowledge aapke paas nahi hoga, then how you should be able to pass the NG tube to the patient safely and save your patient, how you would be, it would be possible for you. Second thing which is attached to this scenario is that about the nutrition. ऑब्वियसली हम नर्सेस को न्यूट्रिशन भी पढ़ाते हैं. अच्छा, अदीला ने हमारे साथ शेयर किया है, सर जैसे अगर नर्स लैब रिजल्ट रिसीव करती है कि प्लेटलेट्स लो हैं, इफ़ शी डोंट हैव नॉलेज, शी डोंट नो दैट पेशेंट हैव. एग्जैक्टली अदीला, यू आर राइट. आपके पास एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन आई है,
कंसल्टेंट इज नॉट एवरी टाइम अवेलेबल इन द वार्ड एरिया विद ईच एंड एवरी पेशेंट, इज नॉट अवेलेबल टू यू, बट ऑब्वियसली जब तक आप, वट इज दिस, दिस इज नॉलेज, आपको प्लेटलेट काउंट्स का पता है, आपने अपने जो आपकी पैथोफिजियोलॉजी की बुक्स हैं, आपको पैथोलॉजी पढ़ाई गई है, उसमें यू नो व्हाट आर द नॉर्मल रेंज ऑफ द प्लेटलेट्स इन द बॉडी. जब आपको उसका नॉलेज ही नहीं होगा, देन हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट द पेशेंट इज एट द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. तो आप कैसे अपने पेशेंट को बचा सकते हैं उस रिस्क से. अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे साथ I should must ask और मुझे प्लीज थोड़ा सा आई वॉन्ट कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग लेक्चर फ्रॉम योर साइड. ठीक है, आपने बहुत अच्छी एग्जाम्पल शेयर की कि प्लेटलेट काउंट अगर कम है तो ऑब्वियसली देर इज अ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. जब तक तो कंसल्टेंट ने आना है, जो भी इश्यूज हैं, आप पेशेंट को मे बी आपको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लगाना पड़े या जो भी है, उस सबको आप छोड़ दीजिए. हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हम मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करते. वट आर इंटरवेंशन फ्रॉम द नर्सेस साइड, पेशेंट आपका रिस्क ऑफ ब्लीडिंग पर है तो आप क्या करेंगे. यू ऑल आर फ्रॉम पोस्ट आर एन एंड यू आर डूइंग जॉब्स इन डिफरेंट एरियाज इन वार्ड साइड. माशाल्लाह काफी मैंने आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी देखे, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है बच्चों का. तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए कि बीइंग अ नर्स आपकी वो कौन कौन सी इंटरवेंशन होंगी इफ योर पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. हम अपनी अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं तब तक कि दूसरी चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की, न्यूट्रिशन. अब आपने पेशेंट को एनजी ट्यूब तो पास कर दी है, न्यूट्रिशन हम आपको पढ़ाते हैं नर्सेस को. क्यों पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं आपको पता हो व्हाट आर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, कौन कौन से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो पेशेंट को नहीं मिल रहे. अब आप एनजी ट्यूब के थ्रू पेशेंट को फीड करवाएंगे तो किस तरह से करवाएंगे. जब आप फीड करवा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो पेशेंट के नीड को फुलफिल कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं. व्हाट इज दिस, दिस इज नॉलेज. So nurses should be competent in knowledge or skillful in applying care towards the patient. ये तो सबको ही पता है, जो भी procedure हम perform कर रहे हैं पहले हम आपको skills lab में जो है वो सिखाते हैं, practice करवाते हैं, practically आप perform करते हैं. Then you are allowed to perform the procedure on the patients under the supervision of your senior staff. After that, when you are competent enough, आपकी जो checklist है, they are signed by your senior staffs while you are performing procedures on the patients. Then you are allowed to perform these skills independently on the patient. So, competent knowledge होना बहुत ज़रूरी है. प्लस स्किलफुल होना नर्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड एफिशिएंट इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में आपका एफिशिएंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. आई मस्ट से आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स, ऑल्दो दे आर नेसेसरी, बट योर कम्युनिकेशन. इफ़ यू हैव टू मच नॉलेज, यू आर वेरी गुड इन योर स्किल्स बट यू आर नॉट गुड इन योर कम्युनिकेशन, सो देर विल बी नथिंग फॉर द पेशेंट. कुछ भी नहीं होगा आपके पास पेशेंट को देने के लिए इफ यू आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर. एंड कम्युनिकेशन में आपको पता है बहुत वास्ट टॉपिक है, बट थोड़ी सी चीजें जो नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि द वे यू टॉक टू द पेशेंट, दिस इज कम्युनिकेशन. आपको हम्बल होना पड़ेगा पेशेंट से बात करने के लिए. प्लस आपके पास कोई नॉलेज है, उसे कम्युनिकेट किस तरह से करना है, आप अपने पेशेंट को किस तरह से अपनी बात समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे. दिस ऑल थिंग्स कम अंडर कम्युनिकेशन. सो नर्सेज हैव टू बी वेरी कॉम्पिटेंट इन देयर स्किल्स, दे हैव टू बी वेरी कॉम्पिटेंट इन देयर नॉलेज एंड दे हैव टू बी वेरी एफिशिएंट इन कम्युनिकेशन. ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, देख लेते हैं. अदीला ने बताया है कीप क्लोज ऑब्जर्वेशन फॉर साइन एंड सिम्टम. यस अदीला, मेरा यही क्वेश्चन है कि अच्छा साइन एंड सिम्टम, बट व्हाट वुड बी द साइन एंड सिम्टम, कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे जिन पे हमने नजर रखनी है, जरा ये बताइए मुझे. गुले लाला, चेक एबीसी इनफॉर्म टू कंसल्टेंट ऑब्जर्वेशन सेव आईवी एंड रेडी फॉर एन इमरजेंसी. ठीक है, गुड. एबीसी पेशेंट आपका रिस्क ऑफ ब्लीडिंग पे है, कोई कॉन्शियस है आपका, इतना ज़रूरी नहीं है आपको, बट ये बहुत अच्छा आपने लिखा कि पेशेंट की आईवी लाइन आपने मेंटेन कर देनी है, सेफ कर देनी है, बहुत ज़रूरी है, और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप रेडी रहेंगे.
हीरा जुल्फिकार, गुड, वाइटल साइन चेक करने हैं, बिकॉज यू नो कि अगर पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कम है तो देयर इज अ रिस्क कि हो सकता है पेशेंट इंटरनली ब्लीड कर रहा हो, और अगर पेशेंट इंटरनली ब्लीड कर रहा होगा तो आपको कैसे पता लगेगा? एक वाइटल साइंस तो एक बहुत ही क्विक आपको फॉरन से इंडिकेशन दे देते हैं ना, ब्लड प्रेशर पेशेंट का लो हो सकता है, या फिर कोई इन्फेक्शन अंदर चल रहा है जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, तो पेशेंट का जो है बॉडी टेम्परेचर रेज हो सकता है, गुड। लेकिन ये सारी चीजें तो आप लोग मुझे साइन सिम्टम्स से रिलेटेड बता रहे हैं, ओके, बट आई वांट नर्सिंग इंटरवेंशंस, कुछ बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस होती हैं जो पेशेंट रिस्क ऑफ ब्लीडिंग पे होते हैं, हमने उन्हें प्रिस्क्राइब करनी होती है, उस चीज का खुद हमें ख्याल रखना होता है, वो सोचें जरा। आई वांट आईवी ड्रग्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, ठीक है शहजाद, ओके। अच्छा चलें, हम इस पे थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आई थिंक अगर हम इस पे डिस्कस करेंगे आप उसके बारे में सोचने लग जाएंगे, आपकी सारी जो अटेंशन है वो उस क्वेश्चन की तरफ चली जाएगी और आप लेक्चर पे फोकस नहीं कर सकेंगे, तो इस वक्त हम लेक्चर पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अपडेट इज योर नॉलेज बाय कंटिन्यूस लर्निंग, परफॉर्म एंड मेंटेन हाई क्वालिटी केयर थ्रू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एंड ऑलवेज यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अदर्स। अच्छा, ये तो सब हमने पढ़ लिया कि हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, वी हैव टू बी वेरी कॉम्पिटेंट। नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स टू अपडेट हिज और हर नॉलेज बाय कंटिन्यूस लर्निंग। ये जो आपके डिफरेंट व्हेन यू आर वेदर यू आर वर्किंग इन द वार्ड एरिया, और वेदर लाइक वी आर टीचर्स, वी आर वर्किंग इन द नर्सिंग कॉलेजेस और स्कूल्स, एवरीवन नीड कंटिन्यूस लर्निंग, नो वन इज परफेक्ट, एंड इनफैक्ट नो वन कैन बी परफेक्ट। सो जो हमारा नॉलेज है उसे अपडेट करने की बहुत ज़रूरत होती है। हम जो न्यू रिसर्चेज आ रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर, डिफरेंट रिसर्चेज हो रही होती हैं अबाउट डिफरेंट मेडिकेशंस, अबाउट डिफरेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस, अबाउट डिफरेंट नर्सिंग प्रोसीजर्स, के हमें कौन कौन SOPs डेली बेसिस पे चेंज हो रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसर्च फाइंडिंग्स, तो कंटिन्यूस लर्निंग बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू टॉक अबाउट द टीचिंग साइड, टूवर्ड्स टीचिंग साइड, सो टीचिंग साइड पे भी क्या होता है, देखें डिफरेंट टीचिंग मेथड अपग्रेड हो रही होती हैं, आपके सामने एग्जांपल मौजूद है, आर ऑनलाइन लेक्चर्स, पहले तो आप इस तरह से नहीं पढ़ते थे ड्यू टू कोरोना, एक न्यू इन्वेंशन की गई, इनफैक्ट दिस इज नॉट अ न्यू इन्वेंशन, बट ऑब्वियसली जिन ऑर्गेनाइजेशंस में ये ऑलरेडी यूज नहीं हो रहा था ऑनलाइन लेक्चर मेथड, उनके लिए ये जरूर एक न्यू इन्वेंशन है। नए सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए गए, नीड आइडेंटिफिकेशन की गई, उसमें काफ़ी उसके ट्रायल्स किए गए, जो जो एरर्स आ रहे थे, जो जो फ्लॉज हमें नज़र आ रहे थे उस पर डिस्कशन की गई, उन फ्लॉज को खत्म करने की कोशिश की गई। व्हाट इज दिस? दिस इज कंटिन्यूस लर्निंग, बीइंग अ टीचर, ये हमारी लर्निंग हुई है, हमारी लर्निंग हो रही है दैट वी आर टीचिंग थ्रू ऑनलाइन लेक्चर्स, वी आर टीचिंग वाइल यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। सो वेदर यू आर वर्किंग इन योर वार्ड एरियाज और यू आर वर्किंग एज अ टीचर, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, वेदर यू आर वर्किंग एज अ डीन ऑफ नर्सिंग or whether you are working as a principal of any nursing college, everyone need continuous learning. So this is the responsibility of the nurse कि अपने knowledge को आपने साथ साथ update करना है और high quality maintain रखनी है, बहुत ज़रूरी है, quality care provide करनी है, and it should be evidence-based practice. देखें डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बार बार कहा जाता है द डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरीथिंग। आप कोई भी काम, आप कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, इवन यू आर टेकिंग टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट, इफ़ यू डिड नॉट डॉक्यूमेंट दैट टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट ऑन द वाइटल साइन चार्ट, और पर्टिकुलर जो भी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ द हॉस्पिटल वो चार्ट मौजूद है, आपने उसके ऊपर उसे डॉक्यूमेंट नहीं किया, इट मीन्स यू डिड नॉट चेक द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। एंड सेकेंड थिंग इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, जो भी आपने प्रैक्टिसेस करनी है पेशेंट के ऊपर, आपने कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी है, प्रोसीजर परफॉर्म करना है, उसका कोई ना कोई एविडेंस ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए। मीन्स अगर हम अभी कैनुलेशन पेशेंट
पेशेंट की परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब आईवी कैनुलेशन नहीं परफॉर्म की जाती थी, उसके ऊपर रिसर्चेस हुई आईवी कैनुलेशंस के क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, किस तरह से हमने उसकी एसेप्सिस का ख्याल रखना है, उन सारी चीज़ों को जब बार बार प्रैक्टिस करके उन्हें बार बार अपडेट करके हमारे पास एक फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। सो यू हैव द एविडेंस कि जी दिस इज द दीज आर द प्रोटोकॉल्स, दीज आर द एसओपीज टू फॉर मेंटेनिंग द एसेप्सिस टेक्निक्स, एसेप्टिक टेक्निक्स। जब हम हमारे पास वो एविडेंस मौजूद है कि हम खुद से ये सारे एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे, वी हैव द चेकलिस्ट और उसके बैकग्राउंड में हमारे पास पूरी रिसर्चेस मौजूद हैं कि दिस इज द वे कि हम इस तरह से अगर पेशेंट को कैनूला पास करेंगे तो कम से कम चांसेस होंगे कि पेशेंट को इन्फेक्शन होगा या फिर पेशेंट का जो एक एसेप्टिक सराउंडिंग्स है वो डिस्टर्ब होंगी। और इसके साथ साथ पेशेंट को, आपको पता है कि समटाइम ऐसा होता है कि वेन जो है वो गलत पंक्चर हो जाती है, स्वेलिंग हो सकती है, इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है मेडिसिन की। तो ये सारी चीज़ें जब आप अच्छे से उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो इनका जो चांसेस है वो कम होते जाते हैं। और इन सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए यू हैव द एविडेंस के हमें मौजूद हैं इन बुक्स में या इन रिसर्चेस की रेफरेंसेस आप दे सकते हैं कि इन रिसर्चेस में ये चीजें मौजूद है और इसके अकॉर्डिंग हम ये परफॉर्म कर रहे हैं। एंड ऑलवेज यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बहुत ही जरूरी हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाइल यू आर डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अदर, इनफैक्ट आई मस्ट से कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपकी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते वक्त हर लम्हा बहुत ज़रूरी है, ईच एंड एवरी मिनट। ऑब्वियसली यू आर टेकिंग वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, सो इफ़ यू हैव यू आर अ क्रिटिकल थिंकर देन यू मस्ट टेक इट एज सीरियस। आपके लिए ये सिर्फ दिस वुड नॉट बी अ कॉमन थिंग कि हाँ ठीक है जी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है, नो, you will use your critical thinking and then you will try to identify the cause of low blood pressure and you will also consult to the doctor, to the physician if you need. And second one thing which I have write down here is while you are delegating responsibilities to the other, this is very necessary that we should use our critical thinking while we have to delegate our responsibilities to others. Like sometime hamare paas students assign hote hain, aapko pata hai, ya phir senior jo staff hote hain unke saath kuch newly appointed trainees ho sakte hain, intern हो सकते हैं। आप उनसे जब कोई काम करवाते हैं, देखें जब तक आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करेंगे नर्सिंग इज इनकम्प्लीट, बट उसके लिए डेलीगेशन जरूरी है। अब डेलीगेशन के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग यूज करना बहुत जरूरी है। एंड क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से आप यूज करेंगे और किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ आपके लिए यूजफुल होंगी, आपने अपने यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके पास जो ट्रेनी है या फिर कोई स्टूडेंट है उसके अंदर क्या क्या स्किल्स मौजूद हैं, कौन कौन सी स्किल्स उसके अंदर अच्छी हैं और कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनको पॉलिश करने की या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देन यू विल रियलाइज कि अच्छा ये स्किल्स इस बच्चे के अंदर मौजूद हैं, ही और शी कैन परफॉर्म दिस ड्यूटी वेरी ईजिली एंड फेथफुली। सो आप उन्हें उसी स्किल्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करेंगे और जहां आपको लगेगा फ्लॉज मौजूद हैं, उनकी स्किल्स को पॉलिश होने की ज़रूरत है, वहां आप उनकी स्किल्स को फर्दर पॉलिश करेंगे। इन आफ्टर डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल दो यू हैव डेलीगेटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज दिस ऑल्सो कम्स अंडर क्रिटिकल थिंकिंग दैट यू आर अकाउंटेबल फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव डेलीगेटेड। अकाउंटेबल आप ही हैं, आंसरेबल आप ही हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। सो अपनी प्रैक्टिस के अंदर ICN अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द ICN हमसे ये कहता है कि आपने जो नर्सेज हैं उन्हें उनके पास नॉलेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उनके स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्लस इन सारी चीज़ों को, अपनी स्किल्स को, कम्युनिकेशन को, नॉलेज को, सबको आपने वक्त के साथ साथ अपडेट करना है ताकि आप हाई क्वालिटी केयर अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकें। एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते वक्त भी आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग्स को इस्तेमाल करना है और जब आप अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर रहे हैं किसी और को उस वक्त भी आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग्स को यूज़ करना है।
ओके, नर्सेज एंड सोसाइटी. अ नर्स हैज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी इन रिलेशन टू क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी फ्रॉम एनी हार्म एंड मीटिंग द हेल्थ एंड सोशल नीड्स ऑफ द सोसाइटी. सो नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ सबसे पहले किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना. देखें, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल और बड़ी इम्पॉर्टेंट सी एग्जांपल ये है, इफ़ यू नो, इनफैक्ट यू ऑल नो अबाउट द LHVs. देखें, जिस वक्त पाकिस्तान में नर्सिंग इतनी ज़्यादा प्रमोटेड नहीं हुई थी, लाइक प्रमोटेड इन द सेंस कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं हुई थी, वी वर नॉट गोइंग टूवर्ड्स द डिग्री प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें जब नहीं थी. और इनफैक्ट अभी भी अगर हमारे पास कुछ ऐसे, ऑब्वियसली वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, तो हमारे पास जो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड हमारे एरिया हैं, वहाँ आपको पता है कि LHVs आर वर्किंग देयर, मिडवाइव्स आर वर्किंग देयर. व्हाट दे आर बेसिकली डूइंग, दे आर बेसिकली, ये जो एक नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड द सोसाइटी, वो बहुत अच्छे तरीके से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही हैं. कि इस तरह के सोसाइटीज़ में जहाँ हमारे पास डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी तादाद अवेलेबल नहीं होती, इस तरह के एरियाज जहाँ हमारे पास ग्रेजुएटेड नर्सेज अवेलेबल नहीं होती, या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बींग LHV, बींग मिडवाइफ, इसी तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सेज की भी है अपनी सोसाइटी में. आप सब पूरा कर रहे हैं कि आप हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी अवेयरनेस लोगों के अंदर जो है वो क्रिएट करते हैं. यानी व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. किसी भी एग्जांपल आपको यहाँ पे दूंगी, जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, आयरन की डेफिशिएंसी हमारे कंट्री में आपको पता है कि स्पेशली फीमेल्स में आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है. ये प्रॉब्लम आपको पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अराइज होना शुरू होती. क्यों? बिकॉज हमें इतना नॉलेज ही नहीं है, वी डोंट नो. हम अपनी बच्चियों को फ्रॉम देयर स्टार्ट बिल्कुल उनकी हेल्थ का कोई ख्याल नहीं रखते. वी डोंट कंसर्न कि उनके उनके लिए मिल्क कितना ज़रूरी है, उनके लिए आयरन कितना ज़रूरी है. देन वी डोंट नो, मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ, दैट वी डोंट नो कि आयरन किस किस चीज़ के अंदर मौजूद है. दिस इज़ नॉट द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्सेज के उन्हें सप्लीमेंट्स के बारे में बता दें. नो, ये तो डॉक्टर्स का काम है. नर्सेज का काम तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है. हम नर्सेज ये बताती हैं कि कौन कौन सी वो वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर आयरन मौजूद है, कौन कौन सी वो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर आयरन मौजूद है. यानी हमारी जो एडगिट चीज़ें मौजूद हैं उसी से हम उनको हेल्थ से रिलेटेड जिनकी प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशंस बताते हैं. सो हम बाद में आपसे ये कर रही थी कि हमारे यहाँ जिस तरह आयरन की डेफिशिएंसीज हैं वो इतनी ज़्यादा प्रेगनेंसी में जाके इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, फिर डेथ्स हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मेटर्निटी जो है ना वो लेवल पे जाके डेथ्स हो रही होती हैं. रीज़न क्या है? हमें अवेयरनेस ही नहीं होती. अब आप देखिए, सडन से तो नहीं हो सकता ना कि प्रेगनेंसी में आपको पता है कि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं, उस टाइम आप सप्लीमेंटेशन देंगे भी. अगर किसी का HV बिल्कुल ही प्रेगनेंसी से पहले ही आप सोचें 9-8 के ऊपर फॉल कर रहा होगा, देन हाउ शी विल बी एबल टू प्रोग्रेस द प्रेगनेंसी. किस तरह से वो, हाउ कैन शी विल बी एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द आयरन ऑफ बेबी एंड हर सेल्फ बोथ. सो दिस इज द ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्सेज के इससे रिलेटेड. कैल्शियम की एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है, वाइटामिन D3 की डिफिशेंसी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है. तो इन सारी ये सारी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे साथ कॉमनली अटैच्ड हैं. तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्सेज के इन सारी हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे रिलेटेड कॉमन अवेयरनेस लोगों के अंदर हम पैदा करना शुरू करें, उन्हें बताना शुरू करें. सो ऑब्वियसली जब ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो हम अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सकेंगे दोनों तरह से. अगर हम उनको हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन देंगे तो भी हम अपनी सोसाइटी को हार्म से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमारा मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम होगा और जो हमारे ऊपर डिजीज़ का बर्डन है वो कम होगा. और प्लस अगर कोई पेंडेमिक हमारी सोसाइटी में आ गई है तो ऑब्वियसली उससे प्रोटेक्ट करना भी, अगर ऑब्वियसली किसी एक को, जिस तरह से आपके पास कोरोना की एग्जाम्पल मौजूद है,
हम किस तरह से कोरोना से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्सेज. हम जो है वो बता रहे हैं, मतलब जो भी हमारी चीजें हैं, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स कि हम जो भी चीजें हैं कोरोना से रिलेटेड, जो भी चीजें हैं कोरोना से रिलेटेड, जो भी चीजें हैं, वी हैव टू वेयर मास्क, हमें ग्लव्स वेयर करने चाहिए. ये सारी चीजें एजुकेशन के अंडर आती हैं. अब अगर पेंडेमिक आ गया है तो हम उसे इसी तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना, कि हम एजुकेट करेंगे एंड मीटिंग द हेल्थ एंड सोशल नीड्स ऑफ द सोसाइटी. आपकी जो सोसाइटी है उसकी सबसे पहले हेल्थ नीड्स, उनकी हेल्थ की क्या क्या नीड्स हैं, उनकी सोशल नीड्स क्या हैं हेल्थ से रिलेटेड, जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया. उन्हें ज़रूरत है एजुकेशन की, उन्हें बताया जाए कि आयरन किस किस चीज़ में मौजूद है, उन्हें बताया जाए कैल्शियम किस किस चीज़ में मौजूद है. हमारे फिर हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपको पढ़ाते हैं, क्या मकसद है उसका, हमारे पेश सॉरी हमारे जो लोग हैं, सोसाइटी है, उसकी हम सोशल नीड्स को फुलफिल कर सकें. कैसे फुलफिल करेंगे? अच्छा जी फातिमा बेटा, थोड़ी देर में देती हूँ मैं आपको ब्रेक ना, ज़रा ये आप 5 मिनट दें, मैं देती हूँ आपको ब्रेक. मुझे याद है नमाज के लिए ब्रेक देनी है. अच्छा, सोशल नीड्स की हम बात कर रहे हैं. सोशल नीड्स की हम ये बात कर रहे हैं कि बींग अ CHN, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स की हैसियत से हम ही ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं पेशेंट की, कि वी नीड प्रॉपर सैनिटेशन, साफ सुथरा जो है पानी होना चाहिए पीने के लिए. आपको पता है नहीं तो आपके में जो है डिजीजेस मजीद स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगी. तो ये सब कुछ क्या है, ये सारी चीजें हैं नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच नर्सिस आर आई मस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिलिंग टूवर्ड्स देयर सोसाइटी. हेल्थ एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है देखें, और अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम अराइज हो गई है उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है, प्लस अगर आपकी सोसाइटी को किसी पेंडेमिक से कोई खतरा है उससे किस तरह प्रोटेक्ट करना है, और आपकी अगर कोई सोशल नीड्स हैं तो लाइक कम्युनिटी हेल्थ नर्स की हैसियत से, या फिर आपकी कोई हेल्थ नीड्स हैं तो उनको किस तरह से आपने फुलफिल करना है. ठीक है जी. अच्छा, नर्सेस एंड को वर्कर्स. अ नर्स कैन नॉट वर्क अलोन. टीम एफर्ट हेल्प्स टू प्रमोट द पेशेंट्स हेल्थ एंड वेलबींग. अ नर्स इन स्पाइट ऑफ डेजिग्नेशन एंड पोजिशन हैज़ टू हैव अ स्मूथ एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद द कोवर्कर्स सो दैट पेशेंट्स नीड कैन बी मेट ऑन टाइम. अच्छा, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नर्सेस को वर्कर्स के साथ काम. देखें, आई मस्ट से दैट वी शुड नॉट टॉक ओनली अबाउट द नर्सेज. वेयर एवर वी आर वर्किंग, हम किसी भी प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक है, इवन वी मस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ आवर होम. आप सोचेंगे कि पता नहीं, मैं जब से मैंने एथिक्स पढ़ाना शुरू किया है मैं बार बार होम को, घर को जरूर बीच में ले आती हूँ और उस एग्जाम्पल जरूर आपको देती हूँ. देखिए, ऐसा इसलिए है दैट नर्सेज इज बेसिकली अबाउट केयर, अबाउट द केयरिंग एटीट्यूड. और मैं समझती हूँ कि बेस्ट एग्जाम्पल केयर या फिर केयरिंग एटीट्यूड की आपके घर और आपके फैमिली मेम्बर से ज़्यादा बेटर कोई नहीं हो सकती. उससे ज़्यादा बेटर कंपेरिजन आप किसी और चीज़ के साथ कर ही नहीं सकते. सो इसलिए वेदर वी आर एट आवर होम, हम घर में भी होते हैं तो आपको पता है कि कोई भी हमारा घर किसी एक शख्स से नहीं चल रहा होता. हमारे बहन भाई होते हैं, सबकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. तो इसी तरह जब हम अपने कोवर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं, जब हमारा घर इस तरह से नहीं चल सकता तो ऑब्वियसली हमारे वार्ड या फिर हमारे हॉस्पिटल अकेले बिल्कुल नहीं चल सकते. कोई भी अकेला काम नहीं कर सकता, सब टीम एफर्ट्स होती हैं, और टीम एफर्ट्स की ही वजह से हम अच्छे से अपने जो पेशेंट हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं और साथ साथ उनकी वेलबींग को परफॉर्म कर सकते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं फिर आपसे कहूँगी कि वेदर फिजिशन आपके साथ वर्क कर रहा है, आपके साथ कोई भी काम कर रहा है, बट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नर्सेस के ऊपर ही आती है. नर्सेस ही पूरे वार्ड को लेकर चल रही होती हैं, तो नर्सेस उनकी
जो भी डेजिग्नेशन है उसको बिल्कुल एक साइड पे रखें। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने डेजिग्नेशन को बिल्कुल भूल जाएं, अपनी पोजीशन को भूल जाएं। ऑब्वियसली आपकी डेजिग्नेशन की, आपकी पोजीशन की एक रिस्पेक्ट है, और जब तक आप अपनी पोजीशन को खुद रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो ऑब्वियसली कोई भी आपकी पोजीशन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो थोड़ा सा उस पोजीशन को बिल्कुल एक साइड पे रख के आप एक स्मूथ रिलेशनशिप बनाएं, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाएं अपने कोवर्कर्स के साथ, ताकि पेशेंट की नीड फुलफिल हो सके। देखें, एक किसी की भी एफर्ट्स को आप नहीं कह सकते कि वो प्राइसलेस हैं, या फिर उसके बगैर हम हमारा हॉस्पिटल चल सकता है या हम अपने पेशेंट की केयर कर सकते हैं। नो, एक नर्स है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके बगैर भी वार्ड नहीं चल सकते, कंसल्टेंट के बगैर भी नहीं चल सकते, सैनिटरी वर्कर्स के बगैर भी काम नहीं चल सकता। अगर इवन आपका एक एसी टेक्नीशियन है, उसके बगैर भी काम नहीं चल सकता। आप किसी भी लेवल पे जाकर आप देखें, आपके साथ जितने भी कोवर्कर्स अवेलेबल हैं उनके बगैर काम नहीं हो सकता। सो तमाम जितने भी लोग हैं सब के साथ, उसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सिस की आती है कि जितने भी आपके पास लोग मौजूद हैं उन सबको आपने साथ लेके चलना है, हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है। जब आप हेल्दी रिलेशनशिप बनाएंगे आपके पेशेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी नीड्स हैं, वो भी फुलफिल होंगी। प्लस मैंने जो आपकी पोजीशन और डेजिग्नेशन की बात की थी, ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी। चलें अब यहाँ पे हम टाइम देख लेते हैं, इट्स 5:55, नमाज ब्रेक ले लेते हैं। तकरीबन 1 घंटा भी हो गया है पूरा हमें लेक्चर लेते हुए, तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। कंटिन्यू आप लोग नमाज पढ़ लें, ट्राई टू बी ऑनलाइन एट 6:10, मैक्सिमम 6:15 पे मैं दोबारा लेक्चर स्टार्ट कर लूँगी। तभी तकरीबन 15 मिनट्स का, 10 to 15 मिनट्स का हम ब्रेक ले लेते हैं, नमाज पढ़ लें, फिर यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है,
आ जाएं सब वापस तो हम स्टार्ट करें लेक्चर। हाँ जी ये बेटा जो लोग ऑनलाइन हैं मैसेज करके बताएं मुझे। एम आई ऑडिबल टू यू? सुन रहे हैं आप लोग मुझे? ओके नुदरत ऑनलाइन है और ओके नुदरत और भी स्टूडेंट मुझे बताएं वापस आ गए हैं आप लोग? नोरीन जेम्स प्रेजेंट है, नीलम प्रेजेंट है, उमेरा भी प्रेजेंट है। ओके चलें ठीक है हम कंटिन्यू करते हैं। ओके मरियम तारिक, ओके गुलेलाला, ऑब्जर्वेशन। चलें अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं जो आईसीएन का कोड ऑफ एथिक्स है उसमें नर्सेस एंड प्रोफेशन। अ नर्स प्लेज अ वाइटल रोल इन फ्रेमिंग एंड इम्प्रूविंग द प्रोफेशनल नॉलेज। अ नर्स शुड स्ट्राइव टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाय मेंटेनिंग डिजायरेबल स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस एंड एजुकेशन। थ्रू द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अ नर्स शुड मेंटेन एंड एग्जीक्यूट स्टैंडर्ड्स रूल्स एंड रेगुलेशन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग केयर एंड नर्सिंग करिकुलम। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस शुड ऑल्सो टेक एफर्ट्स टू मेंटेन गुड सोशल एंड इकोनॉमिक वर्किंग कंडीशंस फॉर द नर्सेस। देखें नर्सेस एंड प्रोफेशन ऑब्वियसली जो नर्सेस हैं उन्हीं का वाइटल रोल होगा नर्सिंग प्रोफेशन को उसका जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसे इम्प्रूव करने में। अभी मैंने आपसे ये बात डिस्कस की थी कि देखिए हाउ वी कैन इम्प्रूव द प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ नर्सेस बिकॉज जो भी रिसर्चेस नर्सेस आर आल्सो डूइंग रिसर्चेस जो भी रिसर्चेस हो रही हैं नर्सिंग रिसर्चेस हो रही हैं उन्हें इम्प्रूव किया जाए। डिफरेंट टॉपिक्स पर जो है डिफरेंट आइडियोलॉजीज के ऊपर हम मज़ीद रिसर्चेस करें और जो ऑलरेडी रिसर्चेस हो चुकी हैं हम उन तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट करें उन्हें उनके थ्रू अपने नॉलेज को हम इन्हांस कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं। एंड दीज आर द ओनली नर्सेज हु कैन स्ट्राइव हु कैन ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस। अब इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है दैट दीज आर द ग्रेजुएटेड नर्सेज दे ओनली नो अबाउट द थ्योरी और दे ओनली हैव द नॉलेज दे डोंट हैव द स्किल्स और वेदर दीज आर द डिप्लोमा होल्डर नर्सेज दे डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट द ह्यूमन बींग देयर एनाटॉमी फिजियोलॉजी देयर पैथोफिजियोलॉजी एंड अबाउट द नर्सिंग केयर। दे ओनली नो हाउ टू कैनुलेट हाउ टू पास अ कैनुला टू द पेशेंट हाउ टू पास द एनजी ट्यूब टू द पेशेंट दे ओनली नो अबाउट द स्किल्स टू परफॉर्म ऑन द पेशेंट। सो हमें इस गैप को ख़त्म करना है इस गैप को एक ब्रिज के थ्रू ख़त्म करना है। किस तरह से ख़त्म करना है? थ्रू प्रैक्टिस एंड एजुकेशन। एजुकेशन और प्रैक्टिस को कंबाइन करके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं नर्सिंग प्रैक्टिस के उसे हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि जो भी हमारी नीड्स हैं लाइक हमारे पास जो नॉलेज है हमें अपनी स्किल्स परफॉर्म करते वक्त उस नॉलेज को सामने रखना है। जो भी स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें पढ़ाए गए हैं कि अगर कैनुला पास करना है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं एनजीट्यू पास करनी है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं इन सारी चीज़ों को जब हम स्किल्स को परफॉर्म करते वक्त हम अपने नॉलेज को यूज़ करेंगे स्किल्स को परफॉर्म करते वक्त हम अपने नॉलेज को यूज़ करेंगे अपनी एजुकेशन को यूज़ करेंगे तो ही हम उस गैप को उस जो एक गैप हमारे पास मौजूद है थ्योरी और प्रैक्टिस के दरमियान हम उसे ख़त्म कर सकेंगे। और हमारी जितनी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं के थ्रू हम वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूट द स्टैंडर्ड्स। देखें एग्जीक्यूट का क्या मतलब होता है? इम्प्लीमेंट करवाना। तो ऑब्वियसली हम अगर स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं तो
तो जब तक उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो जस्ट दे आर रिटन ऑन द पीस ऑफ द पेपर. दिस इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन फैक्ट दिस इज नॉट ओनली द रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन. उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम स्टैंडर्ड्स को हमने एग्जीक्यूट करवाना है. रूल एंड रेगुलेशन बनाने हैं हमने, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनाने हैं नर्सिंग केयर के, नर्सिंग करिकुलम डिज़ाइन करना हमारा काम है, नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस का काम है, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनका काम है. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फिर मैं आपसे यही कहूँगी कि इन सारी चीज़ों को बना लेना ऑल तो हमारा ही काम है, नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस का, उसमें मौजूद नर्सेस का ही काम है, बट उन्हें एग्जीक्यूट करवाना भी हमारा काम है. एंड जो भी हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं ऑब्वियसली उन्हें पार्टिसिपेट करना होगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो बेसिकली नर्सेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो उन्हें हमारे बिल्कुल पार्टिसिपेट करना होगा. गुड जो हमारी नर्सेज हैं, हमारी नर्सेज की अच्छी सोशल और इकोनॉमिक वर्किंग कंडीशंस के लिए, ऑब्वियसली देखें दिस इज़ आवर प्रोफेशन, बट वी ऑल नो दिस इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ इनकम. हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते. अगर आप एक नर्स से एक्सपेक्ट करें कि आप उसे 8 to 10 hours जो है वो ड्यूटी परफॉर्म करवाएंगे, ही और शी विल परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी फेथफुली, बट आप उसे क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं इफ यू आर इवन नॉट गिविंग देम बेसिक सैलरी विच इज़ वेरी लो. अगर आप इवन उन्हें उनकी सैलरीज तक उनकी जो एफर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं देंगे, देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट के दे विल बी फेथफुल विद योर ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑब्वियसली हमें ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि उनकी अच्छी इकोनॉमिकली, आप उनके जो वर्क आपको काम करके दे रहे हैं, आप उनको अच्छा इकोनॉमिक सपोर्ट दें, उनकी सोशल नीड्स फुलफिल हों, और बहुत ज़रूरी है कि उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाएं. अनलकीली थोड़ा सा पाकिस्तान में ये सिचुएशंस है, ये सिनेरियो है कि हमारे ऑफिसेज अच्छे नहीं होते. हम हमारे जो ऑब्वियसली हम काम कर रहे होते हैं, वी ऑल्सो नीड कि हमारे हमारे पास खाना खाने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए. वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी से इस्टेब्लिश होनी चाहिए, बट अनलकीली ये सब आपके वर्किंग कंडीशंस के अंडर आता है. प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जहाँ काम कर रहे हैं आपके पास स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, आपके पास हर वक्त स्ट्रेस का बर्डन नहीं होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें वर्किंग कंडीशन के अंडर आती हैं. दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइट करें इन सारी चीज़ों के लिए और अच्छी इकोनॉमिक प्लस अच्छी वर्किंग कंडीशंस नर्सेस को प्रोवाइड करें. और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें कोड ऑफ एथिक्स के अंदर लिखी गई हैं, ICN कोड ऑफ एथिक्स का हिस्सा है, तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करना और फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने नर्सिंग प्रोफेशन को एक पॉजिटिव इमेज दे सकेंगे. चलें अब हम कोड ऑफ एथिक्स देख लेते हैं PNC के, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एक्ट एंड रेगुलेशंस. ऑल नर्सेज शेल एक्ट एट ऑल टाइम्स इन सच अ मैनर एज टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल क्लाइंट, सर्व द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, जस्टिफाई पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, अपहोल्ड एंड इन्हांस द गुड स्टैंडिंग एंड रेप्यूटेशन ऑफ हिज और हर प्रोफेशन. देखें, पाकिस्तान पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का जो एक्ट है, रेगुलेशन है, उसके मुताबिक तमाम नर्सेस को, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल क्लाइंट. आपका जो क्लाइंट है, जो इंडिविजुअल क्लाइंट है, सबसे पहला आपका मकसद आपको पता है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका एम ही आपका क्लाइंट है. जो आपका इंडिविजुअल क्लाइंट है उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसकी नीड्स क्या हैं, उन्हें आपने प्रोटेक्ट भी करना है और प्रोमोट भी करना है. आफ्टर दैट दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्सेज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी. जो अब देखें आप, ये मैंने एक ऑब्जेक्टिव इसमें डाला है, दैट इज कंपेरिजन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स बाई PNC एंड ICN.
उसका मकसद क्या है? मकसद ऑब्वियसली जो एक वर्डली मीनिंग होते हैं कंपैरिजन के, हमने वो नहीं करना, हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि आईसीएन ने जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स बनाए हैं, तो जब हमने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने अपने कोड ऑफ एथिक्स बनाए, उसमें कहाँ कहाँ आपको सिमिलैरिटीज नज़र आई हैं। तो जिस तरह से अभी हमने लास्ट आईसीएन कोड ऑफ एथिक्स पढ़े, देखे उसमें भी यही चीज़ें थी कि हमने इंडिविजुअल क्लाइंट की बात करनी है, अभी यहाँ पे सोसाइटी के इंटरेस्ट की बात आ गई है, इसी तरह से जस्टिफाई पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, आपकी जो पब्लिक है उसके ट्रस्ट को जस्टिफाई करना है। किस तरह से ट्रस्ट को जस्टिफाई करेंगे? ऑब्वियसली आप पेशेंट को स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड करेंगे, लोगों का लोग आपकी केयर से सेटिस्फाई होंगे, तो ऑब्वियसली उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। एंड सेकेंडली कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी से आएगा। आप अपने पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आप सेफ रखेंगे, कॉन्फिडेंट रखेंगे, तो ऑब्वियसली पेशेंट के और आपके दरमियान एक कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अपहोल्ड एंड इन्हांस द गुड स्टैंडिंग एंड रेप्यूटेशन ऑफ हिज और हर प्रोफेशन, यानी जो आपकी जो प्रोफेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ गई उसके बाद कि आपका प्रोफेशन, आपने अपने प्रोफेशन की किस तरह से गुड स्टैंडिंग करनी है, एक अच्छी स्टैंडिंग उसकी आपने इन्हांस करनी है, और आपके प्रोफेशन की क्या रेपुटेशन होनी चाहिए, यानी इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने प्रोफेशन की अच्छी रेपुटेशन किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। अब वन बाय वन इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी इन रेफरेंस टू द इंडिविजुअल क्लाइंट, असिस्ट द क्लाइंट टू अटेन द मैक्सिमम लेवल ऑफ हेल्थ, अवॉइड एनी अब्यूज ऑफ द प्रिविलेज रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट विद द क्लाइंट, इंश्योर दैट नो एक्शन इज डैमेजिंग टू द इंटरेस्ट और सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट, होल्ड इन कॉन्फिडेंस द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट, मेंटेन द हाइएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर पॉसिबल, make known to an appropriate person any circumstances which could mediate against safe standard of practice. Okay, देखें सब, अब हमने ये देखना है कि हमारी नर्सेज की प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी क्या है इन रेफरेंस टू द इंडिविजुअल क्लाइंट, कि एक इंडिविजुअल क्लाइंट की तरफ क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अकॉर्डिंग टू द पीएनसी कोड ऑफ एथिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने असिस्ट करना है कि आपके पास जो भी इंडिविजुअल क्लाइंट है उसको मैक्सिमम हेल्थ प्रोवाइड करें, आप उसकी हेल्थ का लेवल आप मैक्सिमम रखें, उसे असिस्ट करना है। असिस्ट किस तरह से करेंगे उसके साथ देखें, अगर तो एक पेशेंट बीमार है तो ऑब्वियसली आप उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे, आप उसको अगर कोई स्पेसिफिक डाइट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, डाइटिशियन ने प्रिस्क्राइब की है, आप वो देंगे। लेकिन अगर एक पेशेंट बीमार नहीं है, देखें ये चीज़ें हम, अब हमारी फंडामेंटल है नर्सिंग की, हम इस सबको पढ़ते आ रहे हैं कि हेल्थ बेसिकली इज नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल हेल्थ, हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ है, आपकी सोशल हेल्थ है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है, तो इसको मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि आपका पेशेंट बीमार है तो आपने क्या करना है, प्लस हम एक ऑप्टिमम ऑप्टिमल लेवल ऑफ हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, उसके लिए बीमारी का होना ज़रूरी नहीं है, आपने अपने पेशेंट्स को बीमारियों से बचाना है। सोसाइटी में हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, फिर वही चीज़ें रिपीट होंगी कम्युनिटी के कि हम अच्छी सैनिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम साफ पानी पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं। इस सब से क्या होगा कि हम अपने पेशेंट्स को बीमार होने से बचाएंगे, अपने लोगों को बीमार होने से बचाएंगे, सो ऑब्वियसली जब वो बीमार नहीं होंगे तो उनका एक अच्छा एक मैक्सिमम लेवल ऑफ हेल्थ होगा। सो हमें हर तरह से अपने क्लाइंट्स को असिस्ट करना है दैट दे कैन मेंटेन अ मैक्सिमम लेवल ऑफ हेल्थ। अवॉइड करना है, देखें पेशेंट नर्स का रिलेशनशिप हम बार बार पढ़ रहे हैं, एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होता है, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, बट उसको हमने, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं, उसको एब्यूज़ नहीं करना, गलत इस्तेमाल नहीं करना प्रिविलेज्ड रिलेशनशिप का। एक एग्जांपल लाइक मैं इसकी आपको इस तरह से दूंगी कि मे बी आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है, उसकी अटेंडेंट
किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक है, पुलिस डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक हो सकता है। ये मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रही हूँ। देखिए, दे माइट नॉट बी एग्जिस्ट इन ऑन इंटरनेशनल लेवल, बट हम अपनी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, दीज आर माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑल्सो, आप भी मुझसे मेरी बात से अग्री करेंगे, तो उसमें यही है। मैं उसी से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि कोई भी किसी भी किस्म हमारा नर्स पेशेंट का एक जो रिलेशनशिप है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नर्स पेशेंट के रिलेशनशिप की हद तक होना चाहिए। आपने किसी भी तरह से उस प्रिविलेज रिलेशनशिप को, उसका कोई भी आपने अब्यूज नहीं, इंश्योर करना है कि आपका कोई भी एक्शन है वो आपके पेशेंट के इंटरेस्ट को और उसकी सेफ्टी को डैमेज ना करे। यानी आपका जो क्लाइंट है उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। हम एथिकल प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं कि अपने पेशेंट को सेफ रखना है, बेनिफिट देने हैं, नॉन मेलिफिसेंस नहीं होना चाहिए, तो इंश्योर करना हमारा काम है। एंड जितने भी आपके सॉरी क्लाइंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसे आपने इन कॉन्फिडेंट रखना है, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स कि आप जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन रखने हैं आपने। यानी देखें, कैनुलेशन करनी है, आप मरीज के पास जाएं, उसका हाथ पकड़ें, कैनुला ओपन करें, कैनुला पास कर दें, स्टेकिंग लगा के वापस आ जाएं, आपने कैनुला पास कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, आप पेशेंट के पास जाएं, उसे ग्रीट करें, उसे बताएं कि मैंने आपके आर्म पर कैनुला पास करना है, एक क्यों करना है ये बताएं, आपको ड्रिप्स लगनी है या जो भी वजह है, मेडिसिन आपको देनी है हमने, वापो उनको बताएं। आप उनसे थोड़ी सी इधर उधर की बातें करें, उसके साथ साथ आप उसको कैनुला पास कर दें। पैकिंग लगाएं और फिर आप वापस आ जाएं। ये दोनों तरीके से तकनीकी यूज करनी है। ये सारी चीज़ें चाहे भी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड हो। फिर आवाज़ फट रही है उमेरा, क्यों बेटा? स्टूडेंट्स को भी मसला हो रहा है बेटा आवाज़ में, तो बताइए, या सिग्नल्स का शायद कोई इशू हो रहा है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा अपना नेट का कनेक्शन चेक कर लेती हूँ। आवाज नहीं आ रही मिसबा नुदरत। अच्छा बेटा, एकदम से थोड़ा सा ना शायद वो इंटरनेट के सिग्नल्स थोड़े से डिस्टर्ब हुए थे। आई थिंक अब क्लियर होगी आप लोगों को मेरी आवाज। अब क्लियर है आवाज बेटा, बताइए तो फिर हम आगे मूव करते हैं। कंटिन्यू करूं? क्लियर है मैम? हाँ ठीक है, ओके। वो बेटा थोड़ा सा, आपको पता है आज मौसम ऐसा है, तो उस वजह से थोड़ा सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, इस वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम ये रिपीट कर देती हूँ। मैं आपसे ये डिस्कस कर रही थी कि किस तरह से हमने पेशेंट को हाई स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड करनी है। एक ही प्रोसीजर है, उसको परफॉर्म करने के दो तरीके हो सकते हैं। आप मैं आपको एग्जांपल दे रही थी आईवी कैनुला कैनुलेशन की। आप पेशेंट के पास जाइए, जाके उनको, हाँ ठीक है, बट उसके साथ साथ सेकंड चीज क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि आप पेशेंट के पास जाएंगे, उन्हें ग्रीट करेंगे, एसेप्टिक टेक्निक यूज करेंगे, और पेशेंट की अच्छे से वेन लोकेट करेंगे, उन्हें पूरा प्रोसीजर बताएंगे। हम आपको कैनुला इस तरह से पास करेंगे, कैनुला पास करके स्टिकिंग अप्लाई करके आप वापस आ जाएंगे। देखिए, दोनों तरीकों से आपने पेशेंट को कैनुला पास किया, लेकिन आपने हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर कहाँ पे, सेकंड प्रोसीजर में आपने हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है उन्हें मेंटेन रखा है। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्सेस कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम करते वक्त आपने अपने काम के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना है। अच्छा,
प्रैक्टिस क्या है वो पता भी होने चाहिए, प्लस हमारी सपोर्ट के लिए कोई ना कोई हमारे मतलब लाइक हमारा वार्ड है, वो इसलिए जो भी आपके लीगल एडवाइजर होंगे दे विल बी अवेलेबल टू
नेटवर्क की वजह से थोड़ी इंटरप्शंस हो रही हैं बेटा, मुझे बताइए। अब आवाज़ आ रही है मेरी मिसबा मरियम, आवाज़ आ रही है? ओके ठीक है। हाँ आज थोड़ा सा बेटा नेट का शायद इशू है या कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम भी हो रहा है आज पोस्ट आर एन के साथ। चलें हम क्या पढ़ रहे थे, मैं आपको ठीक है ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। नेक्स्ट, वर्क इन एन ओपन एंड कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट विद द क्लाइंट, प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम एनी हार्म बाय कोवर्कर्स, रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट द कल्चरल बिलीफ ऑफ द क्लाइंट, रिफ्यूज एनी गिफ्ट फेवर और हॉस्पिटैलिटी एज टेकिंग एडवांटेज ऑफ द क्लाइंट। देखें कोऑपरेटिव मैनर में काम करना है, ओपन मैनर में काम करना है, मतलब आपका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा ओपन एंड होना चाहिए आपका। आपके साथ आपके जूनियर्स काम कर रहे हैं, आप उन्हें काम सिखाइए उनके, जैसे मैंने आपसे आईसीएन डिस्कस करते वक्त बताया था कि जो आपको फ्लॉज नज़र आते हैं उनके स्किल्स में, आप उन्हें पॉलिश कीजिए। जो स्किल्स आपको नज़र आती हैं कि आपको लगता है कि इनके अंदर ये स्किल्स बहुत अच्छे से मौजूद हैं, उन्हें आप फर्दर पॉलिश करें थ्रू डेलीगेटिंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। गुले लाला बेटा इंटरनेट चेक करें अपना, काफी बच्चों को अब आवाज क्लियर है मेरी, तो आप प्लीज रिफ्रेश करें। क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना है आपने, सिर्फ ओनली यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, इनफैक्ट आपके जो भी को वर्कर्स आपके साथ काम कर रहे हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम ऑल्सो। आपने अपने क्लाइंट को को वर्कर्स से भी किसी भी किस्म के हार्म से प्रोटेक्ट करना है। एंड जो भी कल्चरल बिलीव्स हैं आपके क्लाइंट के, उन्हें बार बार समझा रही हूँ कि कल्चरल सेंसिटिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। उनके जो भी बिलीव्स हैं उन्हें आपने सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करना है, उन्हें रिस्पेक्ट करना है, और उसके बाद आपने उन्हें कल्चरल सेंसिटिव केयर प्रोवाइड करनी है। देन रिफ्यूज एनी गिफ्ट फेवर और हॉस्पिटैलिटी एज टेकिंग एडवांटेज ऑफ द क्लाइंट। अच्छा देखिए, कोई भी आप सबको पता है कि किसी भी किस्म के गिफ्ट फेवर्स और हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द पेशेंट, इस तरह की चीज़ें लेना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। अब आप समटाइम जैसे गायनी वार्ड्स बड़ी ये प्रैक्टिस होती है, मिठाई आ जाना, केक्स आ जाना, इस तरह की चीज़ें। तो देखिए यहाँ मैंने एक वर्ड यूज़ किया है कि एज टेकिंग एडवांटेज ऑफ द क्लाइंट, मीन्स वो उनकी खुशी है, ठीक है, अगर उन्होंने वो आपको दिया है, ऑब्वियसली अलाउ तो नहीं है, बट अगर इस तरह की चीज़ उन्होंने कोई दी है तो यू आर नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ देम। आप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से या ज़बरदस्ती आप उनसे ये चीज़ नहीं ले रहे, ये उनकी खुशी है, वो अपनी खुशी से आपके साथ अगर कोई इस तरह की चीज शेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आप अपने तमाम को वर्कर्स के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट थिंग कि आप अपने क्लाइंट का किसी भी किस्म का एडवांटेज लें, दिस इज रॉन्ग। देन प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी इन रेफरेंस टू योर को वर्कर्स, एक्नॉलेज द प्रेशर एंड वर्कलोड ऑफ प्रोफेशनल कोलीग्स, वर्क इन एन ओपन एंड कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट विद को वर्कर एंड रिस्पेक्ट देयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन विद इन द केयर टीम। अच्छा, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, अब को वर्कर्स की तरफ आपकी क्या है कि बहुत कम लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, और हमारी अनलिकली हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारी सोसाइटी में तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। हर शख्स को ये लगता है कि बस उसी का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और उसी के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जैसे एक एग्जांपल है, हमारे पास नर्सेज हैं, काम कर रही हैं, नो डाउट उनके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, बट कभी भी हमारे डॉक्टर्स इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते, इवन हमारे सीनियर्स इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपके साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके वर्कलोड को आप अंडरस्टैंड करें कि हाँ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और आप उसे एक्नॉलेज भी ज़रूर करें। देखिए यही वो चीज़ें होती हैं जिससे हमारा एक ओपन रिलेशनशिप डेवलप होता है हमारे को वर्कर्स के साथ, और सबकी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक सैनिटरी वर्कर है, अगर वो आपके वार्ड के अंदर काम कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते
सकते कि ही ओ शी इज जस्ट अ सैनिटरी वर्कर। देखिए, मैंने आपसे कहा कि किसी भी को वर्कर के बगैर आपका काम इनकम्प्लीट है। आपके वार्ड में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब अपनी अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं तो ही आप अपने पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो जो आपके जो भी कोवर्कर्स हैं आपके साथ काम कर रहे हैं, ऑल्दो आपका एक टीम वर्क होता है और आपका जो टीम वर्क है उसका आपके पास एक आउटकम आता है जिसे सब अप्रिशिएट करते हैं, बट आफ्टर दैट जो भी आपकी पूरी टीम का लीड है, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट टीएल नर्स के जिस जिसका जो भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन था उसे एक्नॉलेज करें, सबके सामने उसे शेयर करें, वर्बलाइज करें। ऑल्दो सबको पता है बट आप उसे वर्बलाइज करेंगे तो वो एक्नॉलेज होगा। और पेशेंट की केयर को प्रोवाइड करने के लिए आपकी जो पूरी केयर टीम है उसमें जितना भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है जिसका भी, आप उसको वर्बलाइज करके एक्नॉलेज जरूर करवाएं, अप्रिशिएट जरूर करें। यूज इंडिविजुअल नॉलेज एक्सपीरियंस एंड शेयर विद कुलीग्स टू इम्प्रूव देयर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ग्रोथ। आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, अपने कोलीग्स के साथ उसको शेयर करें। नॉलेज को अपने पास रखने से वो कभी भी नहीं बढ़ता। हाँ, आप नॉलेज को शेयर करते हैं तो ज़रूर आपका नॉलेज बढ़ता है। जैसे इवन वी आर टीचर्स, अगर हम बात करें तो जब हम पढ़ा करते थे हमारे पास एक नॉलेज था। अब हम आपको पढ़ाने के लिए लेक्चर बनाते हैं तो भी हमारे पास एक नॉलेज होता है, बट जब हम आपको पढ़ाने के लिए लेक्चर्स बना रहे होते हैं उस वक्त भी हम नई नई चीज़ों को डिस्कवर कर रहे होते हैं, नई नई चीज़ें हम सीख रहे होते हैं। प्लस जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं उस वक्त भी हम आपसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सो इसी तरह से आपके कुलीग्स हैं, आप अपनी जो भी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज हैं या आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ है वो इसी तरह पॉसिबल है कि आप अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, उनके एक्सपीरियंसेस सुने। इससे आप दोनों का नॉलेज इंक्रीज होगा और आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी। देन प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी इन रेफरेंस टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, आपके खुद की तरफ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मेंटेन एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल नॉलेज एंड एबिलिटी। सबसे पहले अपना जो प्रोफेशनल नॉलेज है आपके पास उसे आपने मेंटेन भी रखना है और आपने उसको जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है उसको आपने अपनी एबिलिटीज जो है उनको आपने इम्प्रूव भी करना है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद एक्नॉलेज हिज़ और हर शॉर्टकमिंग्स एंड रिफ्यूज टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अनलेस ही और शी इज एबल टू परफॉर्म इट इन अ सेफ एंड स्किलफुल मैनर। तो ये पढ़ा रही हूँ कि हमने हमारी देखिए अपनी तरफ आर सेल्फ, हमारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं, उन सारी चीज़ों को हमने अपने अंदर भी एक्नॉलेज करना है। ये नहीं है कि हमने सिर्फ और सिर्फ दूसरों की ही चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को भी एक्नॉलेज करना है, साथ साथ उनके जो फ्लॉज हैं उसको भी एक्नॉलेज करें आप। इसी तरह से अपने अंदर जो आपके शॉर्टकमिंग्स मौजूद हैं उसको भी एक्नॉलेज करें आप। और अगर आपको लगता है कोई ऐसी ड्यूटी है आपको परफॉर्म करने के लिए दी जा रही है लेकिन आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है कि आप उस ड्यूटी को परफॉर्म कर सकें, तो आपने आपने इनकार करना है, आपने मना करना है उस ड्यूटी के लिए। क्यों? देखिए, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा थोड़ी सी चीज़ आ जाती है कि आप सोचेंगे कि जो आपके आपकी जो स्किल्स हैं, ऑब्वियसली देखें यू आर नॉट अलाउड कि आप इनकार नहीं कर सकते, बट अगर आपकी कोई स्किल ऐसी है जो आपको लगता है कि आप परफॉर्म नहीं कर सकते, यू आर नॉट गुड इनफ इन दैट पर्टिकुलर स्किल, तो ऑब्वियसली आप पेशेंट को हार्म करेंगे। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम एथिकल प्रिंसिपल्स में पढ़ चुके हैं कि आपने इंटेंशनली या फिर अन इंटेंशनली अपने पेशेंट को हार्म नहीं करना, और इंटेंशनली तो बिल्कुल भी नहीं करना। जब आपको पता है दैट यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म द पर्टिकुलर स्किल तो फिर आपने बिल्कुल इनकार करना है उस पर्टिकुलर स्किल को, उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। यूज जजमेंट इन रिलेशन टू इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस व्हेन एक्सेप्टिंग और डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिस तरह हमने आईसीएन के कोर्स में पढ़ा, सेम इसी तरह से पीएनसी के कोर्स में है कि आप जब कोई
कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर रहे होते हैं उस टाइम आपने क्रिटिकल थिंकिंग्स यूज करनी है, अपनी पर्सनल जजमेंट को यूज करना है, जिसके थ्रू आप की जो यानी आपकी जो इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस सॉरी इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज हैं उसको आप यूज करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे डेलीगेट करनी चाहिए या पर्टिकुलर पर्सन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर सकता है तो ही आप डेलीगेट करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मेंटेन अ लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट इन द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। देखें ये तो तमाम प्रोफेशंस के लिए है, बट पर्टिकुलरली अगर हम नर्सिंग प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स कि वो एक अपना लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट नर्सिंग प्रोफेशन किसी भी प्रोफेशन के अंदर है, अगर नर्सिंग प्रोफेशन उसके अंदर आप अपना लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट मेंटेन रखें। ये नहीं है कि आप इस तरह से देखें, नर्सिंग पॉसिबल भी नहीं है। आपने देखा भी होगा कुछ लोग नर्सिंग ज्वाइन करते हैं उसके बाद अपनी ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही या फिर अपनी एजुकेशन के दौरान ही वो नर्सिंग छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली दे कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरेस्ट। जब आप एक मरतबा फुल फ्लैग नर्स बन जाते हैं, आप अपना आपने एजुकेशन कम्प्लीट कर ली, आपने अपनी स्किल्स सीख ली, तो उसके बाद इस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स कि आपने अपनी जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग नर्सिंग के अंदर अपना इंटरेस्ट जो है उसको मेंटेन रखना है। आप ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप आज नर्सिंग आपने नर्सिंग की एजुकेशन हासिल की, 2 years थी 3 years आप नर्स बन गए, उसके बाद आप किसी और प्रोफेशन की तरफ स्विच कर दे, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका किसी भी एक प्रोफेशन के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। Then share in the development of a core of basic knowledge. Core कहते हैं basically basics को, core of professional knowledge, sorry. Core का मतलब होता है basic, के आप अपनी भी contribution करें development में। एक तो professional knowledge है जो आपने gain कर लिया, आपके profession से related basic knowledge आपने gain कर लिया। अभी मैंने आपको बताया कि this is our responsibility, ये हमारे responsibility है कि हम जो भी रिसर्चेज हो रही हैं या फिर हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड जो जो चीज़ें, देखें नर्सिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन में बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं, तो यहाँ पे हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम उसकी डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन करें। अवॉइड द यूज ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द प्रमोशन ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स। ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो आपके पास जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसको आपने कभी भी कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्रमोशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना। नर्सेज को तो खैर मैंने ऐसा नहीं देखा नर्सिंग प्रोफेशन में, आई डोंट नो शायद मेरा एक्सपीरियंस ना हुआ हो, बट मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। हाँ हमारे जो मेडिकल के और प्रोफेशनलिस्ट और हेल्थ केयर वर्कर्स मौजूद हैं वो ज़रूर इस चीज़ में करते हैं कि लोग जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके साथ कांटेक्ट करते हैं एंड दे वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ द पर्टिकुलर जो भी कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाई जाती है उसकी प्रमोशन के लिए हेल्प आउट करते हैं। सो दिस इज़ नॉट आप एनी प्रोफेशनल एटिकेट से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो ये हमारे कोड ऑफ एथिक्स थे पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के जो हमने अभी डिस्कस किए। अच्छा नाउ ICN हमने पढ़ लिया, PNC के कोड ऑफ एथिक्स पढ़ लिए, हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कंपैरिजन दोनों का, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल और ICN के कोड ऑफ एथिक्स आपने पढ़े। नाउ दिस इज योर असाइनमेंट, आप अभी मुझे विद इन हमारे पास तकरीबन 6 to 7 minutes रह गए हैं लेक्चर ख़त्म होने में 7 बजने में, तो आप अभी मुझे बताइए आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम योर साइड, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़। मैंने आपको इतनी डिटेल में दोनों के कोड ऑफ एथिक्स बताए, अब आप एक एक करके मुझे बताते जाइए क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या क्या आपको इसके अंदर आप किस तरह से इसे कंपेयर कर सकते हैं। किसी को नहीं कुछ समझ आया जो कोई आंसर नहीं आ रहा मुझे?
फिर आयु खतीजा अब्दुल्ला, आप सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। वेर आर यू गुले लाला, आप भी पार्टिसिपेट करते हो बेटा। आंसर दे मुझे, कंपैरिजन बताइए दोनों, आईसीएन के कोड ऑफ एथिक्स और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के कोड ऑफ एथिक्स का। अच्छा, आप सबके लिए अनाउंसमेंट भी है, मैंने व्हाट्सएप पे आप सबके साथ डिस्कस किया था, ओपिनियन ये थे आपके। आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह मंडे को आपका टेस्ट प्लान्ड है, और एलएमएस के ऊपर आपका टेस्ट होगा। टाइमिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी। अभी तक मुझे बहुत थोड़े स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया था। क्यों अदीला, आपके पास मैसेज का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? चले आप मुझे बता दें, आप मुझे यही बता दें। और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं, किसी के भी पास मैसेज का ऑप्शन नहीं आ रहा। आज पोस्ट आ रहे हैं, इनके लेक्चर्स में वैसे ही बड़े इश्यूज हो रहे हैं सुबह से, थोड़े सॉफ्टवेयर की वजह से। तो एट टू 10 PM मैंने आपको टाइम दिया था। नहीं अदीला, पॉसिबल नहीं है बेटा। क्लास में आप मुझे खुद बताएं, क्लास में कैसे टेस्ट हो सकता है? देखें वेबिनार के ऊपर कैसे टेस्ट लिया जा सकता है आपका? पॉसिबल नहीं है ना। वेबिनार पे आप देखें, हम लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं, आपसे एक क्वेश्चन भी अगर मैं थ्रो करती हूँ तो ऑब्वियसली उसमें भी बहुत टाइम लगता है। इंटरेक्शन, आई जस्ट ट्राइड कि हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशंस रखें, बिकॉज वरना बिल्कुल बोरिंग हो जाता है लेक्चर। बट आप देखें, इन स्पाइट ऑफ दिस पॉसिबल ही नहीं होता। आप लोगों के मैसेज भी किस तरह रिसीव होते हैं, प्लस आप सोचें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके ये टेस्ट होंगे, ये इसमें आपकी ग्रेडिंग होगी। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है कि टेस्ट हो रहा है, आपको पता है प्रॉपर आपके लेक्चर लिए जा रहे हैं, उसी तरह से प्रॉपर एलएमएस पे आपके टेस्ट होंगे, आपकी ग्रेडिंग होगी, जो काउंट होगी आपके इंटरनल इवेल्यूएशन में, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अक्सा ने हमें आंसर दिया है, दोनों में सिमिलर थिंग ये है कि ड्यूटी को प्रॉपर कंसर्न के साथ परफॉर्म करना है, बी कमिटेड विद पेशेंट केयर एंड कंसर्न एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। गुड, अच्छा आंसर है आपका अक्सा। अच्छा अक्सर आप ये कह रहे हैं कि क्लास टाइमिंग में ही हम एलएमएस के ऊपर टेस्ट ले लें। हम वेबिनार के ऊपर लॉग इन रहकर एलएमएस पर टेस्ट देंगे। बेटा इंस्टीट्यूट की तरफ से ये टाइमिंग दी गई है कि इवनिंग में, क्योंकि आपके ये देखें इसका इशू ये है बेटा कि कुछ लोग मॉर्निंग ड्यूटी पे होंगे, कुछ इवनिंग पे होंगे। अब हमारा जो लेक्चर की टाइमिंग भी चेंज हो गई है, मैं आपके साथ इंशाल्लाह कल शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, लेक्चर की टाइमिंग चेंज हो गई है। होप सो शायद आपको स्केड्यूल मिल गया हो, नहीं भी मिला तो मैं आपके साथ कल इंशाल्लाह शेयर करूंगी। आपकी नर्सिंग एथिक्स की क्लासेस मंडे और फ्राइडे वीक में 2 दिन हुआ करेंगी, और उसकी टाइमिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इशू थोड़ा सा ये है कि कुछ बच्चे मॉर्निंग ड्यूटी पे होंगे, कुछ इवनिंग पे होंगे और कुछ नाइट पे होंगे। तो हमें ये लग रहा है कि 8 to 10 विल बी कन्वीनियंट, लाइक मॉर्निंग वाले भी अवेलेबल होंगे, इवनिंग वाले भी अवेलेबल होंगे। यू विल बी हैविंग 2 आवर्स, और आपने सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट का आपका टेस्ट होगा, और आपको मैं ह्यूज टाइम मार्जिन दे रही हूँ 2 घंटे का। 2 घंटे में 8 से 10 के दरमियान ऑब्वियसली मॉर्निंग वाले भी अवेलेबल होंगे, ये बाद 10 से 15 मिनट निकाल सकते हैं टेस्ट के लिए। तो आप ही की सारी कन्वीनियंस देखते हुए हमने ये टाइमिंग डिसाइड की है। नुदरत ने क्या कहा है, मैम हम आपको अच्छा इंशाल्लाह बहुत जल्द आप आ जाएंगे बेटा इंस्टीट्यूट में, तो फिर देख लीजिएगा। अक्सा मैम जी बात की है हमने, लेकिन मैम जी कह रहे हैं कि रिलेटेड टीचर से बात करें अबाउट टेस्ट। नुदरत
नहीं मिला न्यू स्केड्यूल, ठीक है नुदरत, नया स्केड्यूल नहीं मिला, मैं इंशाल्लाह आपके साथ कल शेयर कर दूंगी अर्ली मॉर्निंग इंशाल्लाह। अदीला नुदरत मिल गया है, कोई बात नहीं बेटा, मिल गया है तो भी ठीक है, नहीं मिला है फिर भी दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, मैं आपको टाइम बता दूंगी कि नेक्स्ट वीक से हम कब करेंगे। अच्छा अक्सा, आपने डिस्कस किया है और अगर आपसे कहा गया है कि कंसर्न टीचर से बात करें अबाउट टेस्ट, तो बेटा ये बात मेरे नॉलेज में नहीं है, तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ फिर। आप लोग मुझे एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो दिया करें, मैं आपको देखें ग्रुप में आपको मैसेज किया है तो मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। अब आप सब एक काम कीजिए कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम स्टूडेंट जिनके जिनको जो टाइमिंग कन्वीनियंट है मुझे आप लोग रिस्पॉन्स कर दें, तो इंशाल्लाह फिर मैं कंसर्न जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ डिस्कस करके आपको फाइनल बता दूंगी, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी हो सकी तो भी चेंज कर देंगे, अगर नहीं भी चेंज कर सके तो भी मैंने आपको रीजन बता दिया है कि आपकी ड्यूटीज का कंसर्न देखते हुए, आपकी कन्वीनियंस को देखते हुए हमने ये टाइम स्केड्यूल किया है आपके टेस्ट के लिए, ठीक है बेटा। चलें काफी हमने आज पढ़ लिया है और ऑलमोस्ट 7 भी बजने वाले हैं। मैम हम रिस्पॉन्स देते हैं पर आपको मैसेज लेट पहुंचते हैं, अच्छा सही ठीक है। मुझे बहुत कम, मैंने सुबह मैसेज किया लेकिन मुझे गिनती के 3-4 स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स दिया है टाइमिंग का, तो चले आज सब मुझे ग्रुप में बता दें टाइमिंग जिसको जो कन्वीनियंट है, मैं अपने जो सीनियर हैं जो कंसर्न है उनके साथ डिस्कस करके फिर हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक भी हमने पढ़ना है। मैम जी हम आपको, अच्छा ठीक है चलें, सबके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एथिक्स और नर्सिंग प्रिंसिपल एंड नर्सिंग सॉरी एथिकल प्रिंसिपल और एथिकल थ्योरीज जो आपको पढ़ाई हैं ये दोनों टॉपिक्स आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट टेस्ट होगा सो आई विल ट्राई कि आपके लिए डिफिकल्टी ना हो, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होगा। आई अंडरस्टैंड आप लोगों की जॉब के भी इश्यूज हैं तो सारी चीज़ों को हम साथ साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई बेस्ट के आपके लिए टाइमिंग भी कन्वीनियंट रहें, बट आप सब ने अच्छे से टेस्ट प्रिपेयर करना है और अपना जो टाइम बेटा आप ऑनलाइन यूटिलाइज कर रहे हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे हम डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।